नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 के परिणाम बुधवार की देर रात जारी कर दिए गए। इस बार भी परिणाम में एक बार फिर कोटा का परचम लहरा है। कोटा के निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली छात्रा तनिष्का ने ऑल इंडिया रैंक में पहली रैंक हासिल की है। तनिष्का ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए। तनिष्का कोटा में रहकर पिछले 2 वर्ष से नीट यूजी की तैयारी कर रही थी। ऑल इंडिया में फर्स्ट आने के बाद तनिष्का ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस चीज के लिए मैंने इतने एफर्ट्स किए थे, मेरे आसपास सब लोगों ने इतना कुछ किया था मेरे लिए, तो मुझे फाइनली लग रहा है मैंने उनके लिए कुछ किया। यहाँ का माहौल काफी अच्छा है, मतलब अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बच्चे अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो उनके पर्सनल लेवल की बात है, बट कोटा का माहौल काफी अच्छा है। आप अपना कंसिस्टेंट रहो, ऐसा मत करो कि एक दिन मैं 15 घंटे पढ़ ली उसके बाद मैं 2 दिन तक पढ़ू ही ना। अपना रेगुलर मतलब क्लास के साथ तो ऐसे 5-6 घंटे ऐसा मैनेज हो पाता है, तो आप अपना कंसिस्टेंट रहो। और फिर इसके बाद आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मैं अब लास्ट में आकर मेरा ये भी रह गया वो भी रह गया। लास्ट में आपको खुद के अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगी कि मैंने अपना अच्छा किया और मेरा सब कुछ कवर हो गया। रैंक का नहीं सोचा था, बट मैंने ऐसा सोचा था कि एम्स दिल्ली अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मुझे वो मतलब वो मिलना चाहिए, उसके लिए मैंने अपना एफर्ट दिया, ऐसा रैंक का तो नहीं सोचा था। तो वहीं ऑल इंडिया में दूसरी रैंक बत्स आशीष बत्रा ने हासिल की है। तीसरी रैंक ऋषिकेश के नागभूषण गांगुली लेकर आए हैं। इन दोनों छात्रों ने 715 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं अगर टॉप 100 की बात करें तो राजस्थान के कोटा शहर से ही 30 से अधिक छात्र टॉप 100 में शामिल हुए हैं। NTA द्वारा आयोजित परीक्षा में 18,72,343 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 17 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। देश विदेश के 497 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया और इसके लिए 3,570 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ये परीक्षा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयोजित की गई थी, जिसके लिए अबूधाबी, बैंकॉक, कोलंबो, दोहा, काठमांडू, कुआलालंपुर, म्यांमार, मास्कट सहित कई देशों में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।